अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो आप ठीक होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ Amazon Affiliate सीरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ यू कैन फाइंड कीवर्ड्स फॉर योर Amazon ब्लॉग। एक्चुअल में कीवर्ड्स होते क्या हैं? सो विदाउट एनी फर्दर वेट हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जाएं, आपको ये पता होना जरूरी है कि कीवर्ड्स एक्चुअली क्या होते हैं। बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो गूगल के ऊपर जाके जब कोई यूज़र कोई भी सर्च क्यूरी जो है वो टाइप करता है, फॉर एग्जांपल हाउ यू कैन मेक केक एट होम, हाउ यू कैन रिस्टोर योर मोबाइल फ़ोन और काफ़ी सारी इस तरह की एग्जांपल्स हैं जो कि हम जाके गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। सो ये सर्च क्यूरीज एक्चुअल में कीवर्ड्स होते हैं और इस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली फिर हमें गूगल रिजल्ट शो करता है। उन रिजल्ट्स के अंदर हम अपनी वेबसाइट रैंक करते हैं। सो वो कीवर्ड के अगेंस्ट जो है हमारी वेबसाइट रैंक होने पे ट्रैफिक आती है, फिर उसके बाद Amazon अफिलिएट सेल्स या फिर व्हाट्सएवर जो उसके ऊपर हमने मोनिटाइजेशन मेथड अप्लाई किया होता है उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें पे किया जाता है। कीवर्ड्स की दो बेसिक टाइप्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है। नंबर वन इज़ शॉर्ट टेल और नंबर टू इज़ लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल की अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो कोई यूज़र अगर गूगल के ऊपर जाके सर्च करता है एप्पल आईफोन, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है। और ऑन द अदर हैंड अगर कोई यूज़र जाके गूगल के ऊपर सर्च करता है व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ एप्पल आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इनमें डिफरेंस इतना ही है कि जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है वो हार्डर टू रैंक होता है क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी जो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं वो रैंक कर रही होती हैं, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है वो यूजुअली इग्नोर होता है अथॉरिटी वेबसाइट्स की नज़र से। सो हमें चांस मिल जाता है कि कुछ ऐसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जिनके ऊपर कंपटीशन कम है, ऑलरेडी कुछ बड़ी वेबसाइट उसके ऊपर काम नहीं कर रही, हम उसके ऊपर काम करके क्योंकि ट्रैफिक उनके ऊपर भी होती है निस्बतन शॉर्ट टेल कीवर्ड के, लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक कम होती है लेकिन स्टिल हम अपना जो काम है वो उससे चला सकते हैं। सो यहाँ पे अभी जो चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कीवर्ड रिसर्च, इसमें सबसे जो पहली चीज़ मैटर करती है वो नीश मैटर करती है, और ये हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने इसको डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। सो अगर आपने अपनी जो नीश है वो फाइनल कर लिया उसके बाद फिर हम जंप करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल आपने नीश अपनी सेलेक्ट की है कोई भी किचन आइटम, वो कोई ब्लेंडर हो सकता है, वो कोई कॉफ़ी मेकिंग मशीन हो सकती है, वो कोई टोस्टर हो सकता है, व्हाट्सएवर। आपने जब एक नीश सेलेक्ट कर ली किचन प्रोडक्ट्स, उसके अंदर फिर आपने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने ब्लेंडर सेलेक्ट कर लिया जिसके अंदर स्मूदीज और शेक्स वगैरह बनाते हैं। सो उस जो प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट हमने कीवर्ड रिसर्च करने हैं। अब इसके कुछ पेड मेथड्स भी हैं और इसके कुछ फ्री मेथड्स भी हैं। हम ऑब्वियसली हम फ्री वाली बात करेंगे, हम पेड टूल्स की तरफ नहीं जाएंगे। पेड टूल्स के अंदर AHREF और कीवर्ड रिसर्च के कुछ टूल्स आते हैं लेकिन हम उनकी तरफ अभी नहीं जा रहे। हम कोशिश करेंगे कि जितना हम ईजी रह के फ्री में सीख सकें वही हम सीखें। सो मैंने google.com ओपन कर लिया और यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ ब्लेंडर्स, ठीक है, ब्लेंडर्स सर्च करने पे मुझे यहाँ पे जो वेबसाइट शो होंगी वो ई कॉमर्स वेबसाइट होंगी क्योंकि वो डायरेक्टली सेल कर रही हैं। सो यहाँ पे हमें थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है, हमें यूज़र की साइकी जो है उसके साथ हमें मैच करना पड़ता है थोड़ा सा अपने कीवर्ड्स को। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बायर हूँ या आप अपने आप को एक बायर की जगह पे रख के देखें, कोई भी चीज़ जो है वो परचेज़ करने से पहले मैं तो गूगल करता हूँ। कोई मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना हो, कोई टेक गैजेट लेना हो, कोई भी चीज़ बाय करनी हो, मैं उसकी सबसे पहले गूगल के ऊपर जाके मैं उसकी स्पेक्स वगैरह देखता हूँ, उसके रिव्यूज़ देखता हूँ। सो यही काम जो फॉरेनर्स हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जो हमारी टारगेटेड ऑडियंस है, वो भी गूगल के ऊपर जाके पहले उसकी स्पेक्स और उसके रिव्यूज़ वगैरह स्टडी करती है। सो यहाँ पर आके हम थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट के साथ बेस्ट का इजाफा करते हैं। बेस्ट का इजाफा इसलिए करते हैं बेस्ट या फिर रिव्यूज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लेंडर रिव्यूज़ या फिर बेस्ट ब्लेंडर रिव्यूज़। यहाँ पे जाके यूज़र जो है गूगल के ऊपर ये चीज़ सर्च करेगा और हमने इस कीवर्ड के अगेंस्ट अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना है। लेट से मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अभी तो मैंने ब्लेंडर सर्च किया और यहाँ पे हमें जो वेबसाइट शो हो रही हैं ये सब की सब जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, इनके साथ हमारा जो है वो कंपटीशन है ही नहीं। यहाँ पे अब क्या हम सर्च करेंगे, बेस्ट ब्लेंडर्स, ठीक है,
ये सर्च करेंगे तो आपको जो वेबसाइट्स नज़र आएंगी वो सबकी सब वो वाली वेबसाइट्स नज़र आएंगी जो कि ऑलरेडी Amazon अफिलिएट के ऊपर अपना ब्लॉग रन कर रहे हैं और उन्होंने उसके रिव्यूज़ लिखे हैं। यहाँ पे आपको ई कॉमर्स वाली जो वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी कम नज़र आएंगी। रीज़न इसका यही है कि बेस्ट जब हमने इसके साथ लगा दी या फिर हमने रिव्यूज़ लगा दिया तो यहाँ पे वो वाला यूज़र आ रहा है जिसने ये वाली प्रोडक्ट बाय करनी है, वो अपना जस्ट माइंड मेक करना चाहता है कि एक दो जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके दरमियान कंपैरिजन करके वो किसी एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और मोस्ट प्रोबेबली जो हमने अमेजोन का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है बटन के थ्रू वो उस लिंक के थ्रू जाकर उसको बाय करेगा जिसका हमें कमीशन मिलेगा। सो आसान करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा। हम ये जो मैंने बेस्ट ब्लेंडर सर्च किया है आप देख लें, इसके ऊपर सारी अथॉरिटी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स रैंक कर रही है, सीनेट रैंक कर रही है, गुड हाउसकीपिंग। इन वेबसाइट्स के साथ कंपटीशन करना एक बेवकूफ़ी है क्योंकि ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स हैं, अथॉरिटी है इनके पास। सो इनके साथ हम कम्पीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके, लेट्स से मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल का, हम शॉर्ट टेल के ऊपर काम नहीं करेंगे स्टार्ट में। हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे बेस्ट ब्लेंडर फॉर, अब ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड्स आ गए, फॉर आइस एंड फ्रोजन फ्रूट, फॉर स्मूदीज, फॉर जूसिंग, फॉर नट बटर, फॉर होम यूज, फॉर फ्रोजन ड्रिंक्स, फॉर स्मूदीज एंड आइस, लाइक यहाँ पे अ नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं जो कि लॉन्ग टेल है। सो मैं यहाँ से कोई एक कीवर्ड पिक करता हूँ, लेट्स से फॉर स्मूदीज एंड आइस, मैंने इस कीवर्ड को पिक कर लिया। यहाँ पे अब जो वेबसाइट्स आ जाएंगी वो थोड़ा सा ना स्पेसिफिक होना शुरू हो जाएंगी, लाइक ये देखें एनवाई टाइम्स यहाँ पे भी आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग वो उसने अपना जो कंटेंट है वो नहीं राइट किया। गूगल जो है वो अप्रोक्सीमेट करके हम जो रिजल्ट है उसको रेलेवेंट, यहाँ पे गूगल जो है वो रेलेवेंसी की वजह से ये इन वेबसाइट्स को यहाँ पे शो कर रहे हैं लेकिन हमारा कीवर्ड जो है बेस्ट ब्लेंडर फॉर स्मूदीज एंड आइस है। सो बेस्ट ब्लेंडर फॉर क्रशिंग आइस, दी एट बेस्ट ब्लेंडर्स फॉर स्मूदीज, और उसके बाद यहाँ पे देखें बेस्ट ब्लेंडर ऑफ 2021, बेस्ट ब्लेंडर 2021, ये कीवर्ड्स जो इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं ये जस्ट अपनी अथॉरिटी की वजह से ये वेबसाइट्स यहाँ पे रैंक कर रही हैं। सो हम एक कम्बिनेशन बना सकते हैं कीवर्ड्स का, जैसे मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड फाइंड आउट किया बेस्ट ब्लेंडर फॉर स्मूदीज एंड आइस, बेस्ट ब्लेंडर फॉर आइस एंड फ्रोजन फ्रूट, और उसके बाद बेस्ट आइस क्रशिंग ब्लेंडर अंडर 100। ये एक फ्री मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर श्योर आप अगर Ahref यूज़ करते हैं या फिर आप कोई भी कीवर्ड फाइंडर टूल यूज़ करते हैं उसमें जो आपका कंपटीशन है वो और ज़्यादा नैरो डाउन हो जाएगा, लेकिन एक स्टार्ट लेने के लिए देखिए यहाँ पे ब्लेंडर रिव्यू छोटी साइट्स पर आना शुरू हो जाती हैं जो कि स्पेसिफिकली उसकी उस जो प्रोडक्ट है उसको टारगेट कर रही होती हैं। सो स्टार्ट के अंदर आप एक कम्बिनेशन बना के कीवर्ड्स का शॉर्टलिस्ट कर ले, लाइक आप 20 कीवर्ड्स जो है स्टार्ट में आपने उनके ऊपर काम करना है, उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखने हैं। जब 20 आर्टिकल्स आप उनके ऊपर लिख के पोस्ट कर देंगे, 20 रिव्यूज़, उसके साथ आपने कम्बिनेशन बनाना है इन्फो कीवर्ड्स का, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड्स या फिर गाइड्स लाइक हाउ टू क्लीन ब्लेंडर, अगर ब्लेंडर की ही हम बात करें, हम स्टिक करें इस टॉपिक के ऊपर, तो ये एक कम्बिनेशन बना के आपने ब्लॉग स्टार्ट करना है। टाइम लगता है इनको रैंक होने में लेकिन ये एडसेंस के मुकाबले में थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू दे जाती है क्योंकि फ्लिप वाला मॉडल जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा यहाँ पे काम करता है। सो कीवर्ड रिसर्च का जो फ्री मेथड मैंने आपको बताया, एक हम अभी एक वेबसाइट है जो नील पटेल की है, उबर सजेस्ट, हम उसको ओपन कर लेते हैं, उसमें हमें कुछ कीवर्ड सजेशन मिल जाएंगी। सो यहाँ पे अगर मैं टाइप करता हूँ बेस्ट ब्लेंडर, यहाँ पे मैं कोई भी पेड टूल नहीं यूज़ कर रहा, लाइक Ahref है और उसके बाद हमारे पास एक और काफ़ी सारे कीवर्ड सर्च टूल हैं जो कि पेड हैं। सो हम पेड की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम जस्ट फ्री की बात कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सर्च किया बेस्ट ब्लेंडर और यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैंने कीवर्ड आइडियाज़ लेने हैं। सो यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी चेक कर रहा है, बाइसाइकल्स तो हैं नहीं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, मैं उनको वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कीवर्ड आइडियाज़ में जाना है और कीवर्ड आइडियाज़ एक्सप्लोर करने हैं कि बेस्ट ब्लेंडर से रेलेवेंट कीवर्ड्स और कौन से हैं, उनका कंपटीशन देखना है। व्यू ऑल कीवर्ड आइडियाज़, लेट्स सी अगर ये मुझे यहाँ पे शो करता है तो यहाँ पे ये देखें। सो यहाँ पे अगर हम बात करें बेस्ट ब्लेंडर फूड प्रोसेसर कॉम्बो, इसका वॉल्यूम है 1900 और इसकी जो SEO डिफ़िकल्टी है वो 36 है। हम बहुत अगर इसको नैरो डाउन करें
लेट से मैं यहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी का फिल्टर अप्लाई करता हूँ तो ये फोर जूसिंग आ जाता है, इसकी 880 पर मंथ वॉल्यूम है। उसके बाद कॉम्बो वाला कीवर्ड हमने पहले देख लिया, बेस्ट ब्लेंडर फॉर प्रोटीन शेक्स 880 है। मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक कीवर्ड की जो सर्चेज हैं आप उनको कंसीडर नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे आपने 880 वाला कीवर्ड देखा उसके बाद 1900, इन सब की सर्चेज प्लस करेंगे। और एक जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि अगर आप एक स्पेसिफिक कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं लाइक उसका वॉल्यूम है 1900 पर मंथ, आप जस्ट उस 1900 पर मंथ वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं करेंगे, उस आर्टिकल में से बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स निकलेंगे जिनके ऊपर आपका जो पोस्ट है वो वाला वो रैंक करेगा और फिर वहाँ से भी ट्रैफिक आएगी। सो ये विन विन सिचुएशन होती है, आप किसी एक कीवर्ड की जो बेसिक वॉल्यूम है वो देख के आप उसको टारगेट करते हैं, लेकिन इन द एंड आपको फ़ायदा इस चीज़ का मिलता है कि और कीवर्ड्स ऐड होते हैं उसके अंदर और उसकी भी ट्रैफिक आपको मिलती है। सो हमने आज की जो इस वीडियो है उसके अंदर दो मेथड्स डिस्कस किए, एक तो फ्री वाला जो google.com के ऊपर जाके हम वहाँ से सजेशन लेते हैं, और नंबर टू उबर सजेस्ट के ऊपर मैंने जाके अपनी प्रोडक्ट और उसके साथ मैंने बेस्ट मेंशन किया और मैंने वो सर्च किया गूगल के ऊपर। एंड द सेकेंड वन इज़ मैंने उबर सजेस्ट के ऊपर जाके अपनी प्रोडक्ट उसके साथ बेस्ट लगाया और मैंने वो सर्च किया, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स मिल गए जिनका मैं कम्बिनेशन बना सकता हूँ और उनको अपनी वेबसाइट के ऊपर टारगेट कर सकता हूँ। सो आज की वीडियो जो है वो इतनी ही थी, हमने इसके अंदर दो फ्री वाले मेथड्स देखे, पेड की तरफ अभी हम नहीं गए। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारा ये सीरीज है अमेज़ॉन एफिलिएट वाला इसको बेसिक लेवल के ऊपर रखूँ, इसमें कोई भी ऐसा डिफ़िकल्ट या फिर इसमें कोई भी ऐसा पेड टूल ना यूज़ करूँ जो कि आपको बाय करना पड़े। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।